गाजा की जंग में अब एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर एयरक्राफ्ट, एटम बम और हाइपरसोनिक मिसाइलों की एंट्री हो गई है। पुतिन ने ब्लैक सी में किंजल हाइपरसोनिक से लैस MIG यानी कि MiG-31 उतार दिए हैं और भूमध्य सागर में अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के वॉरशिप बढ़ते ही जा रहे हैं। हमास, हिजबुल्ला, हुती और आईएस के आतंकियों ने अंतिम जंग का ऐलान कर दिया है, तो 57 मुस्लिम देशों ने भी अपनी बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अरब की जंग में जिरकॉन किंजल इस्कंदर, विश्व युद्ध से पहले परमाणु तबाही का डर। जमीन, समंदर, आसमान, पाताल तक में छिड़ा संग्राम। विश्व युद्ध की नई टीम का गठन, बदल गए पुराने समीकरण। गाजा पर गिरता हर बम विश्व युद्ध के बारूद में चिंगारी लगा रहा है। तेजी से सिर्फ विश्व युद्ध के खेमे ही नहीं बन रहे, विश्व युद्ध की तैयारी भी शुरू हो गई है। जल, थल, नभ और पाताल तक हमला करने वाले और दुनिया को परमाणु आग में झोंकने वाले सर्वनाश के सबसे भयानक अस्त्र निकल आए हैं। रूस ने काला सागर में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत तैनात कर दिया है। भूमध्य सागर में अमेरिका का ड्वाइट डी आइजनहोवर युद्धपोत भी तैनात है। ब्रिटेन ने भी अपना समुद्री बेड़ा भूमध्य सागर की ओर भेज दिया है। ब्रिटेन के बेड़े में 3 युद्धपोत हैं। पहला युद्धपोत HMS डंकन, दूसरा युद्धपोत RFA लाइम्बे और तीसरा युद्धपोत RFA आर्गस। मुस्लिम देशों ने भी अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हिजबुल्ला, हुती, हमास और ISIS जैसे आतंकी संगठन एकजुट हो गए हैं और उत्तर कोरिया के हथियार हमास के पास पहुंच गए हैं।
इसराइल की जंग में वर्ल्ड वॉर की टीमों का गठन हो गया है। युद्ध के बड़े खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिया है। युद्ध कहां से शुरू होगा इसका फैसला भी हो गया है। इस जंग में सबसे पहले ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी यानी काला सागर और भूमध्य सागर का पानी उबलेगा और फिर तकरीबन सारे अरब देश परमाणु आग में झुलस जाएंगे। जंग अब कभी भी छिड़ सकती है। क्या पुतिन और चीन अरब देशों के साथ गठबंधन बनाएंगे? क्या इस बार जंग में नॉन स्टेट एक्टर का सबसे बड़ा रोल होगा? क्या हिजबुल्ला, हमास, वैगनर, आईएसआईएस और हूती के आतंकी आपसी रंजिश भूलकर अरब और यूरोप की जमीन पर कत्लेआम मचाएंगे? हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं ये अंदेशा सच होता लग रहा है। हमास और इजराइल की जंग अब रीजन से आगे बढ़कर रिलीजन तक पहुंच गई। अगर चुनांचे इन जनायत इदामे पैदा करे, मुसलमान ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن. توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه. हमास और इसराइल के बीच चल रही जंग के बीच दुनिया भर के मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ लामबंद होने लगे। इसराइल हमास युद्ध पर 57 मुस्लिम देशों ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में इमरजेंसी बैठक की। सभी 57 मुस्लिम देशों ने एक सुर में युद्ध के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। जेद्दा में हुई आईओसी की बैठक में सऊदी विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान ने गाजा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने को कहा। लेकिन अब तक हुए 5 गाजा युद्धों में सबसे घातक बन गए इस युद्ध ने सिर्फ दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को ही इसराइल के खिलाफ लामबंद नहीं किया है, दुनिया भर के कई आतंकी संगठन भी लामबंद हो गए हैं। علوياتكم ستدمر، كتائبكم ستبدد، دباباتكم ستهدم، حماس، حزب الله، هوتي इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक स्टेट जैसे दुनिया के कुछ सबसे क्रूर आतंकी संगठनों ने सबसे बड़ा गठजोड़ बना लिया है और ये सब मिलकर सबसे बड़े और आखिरी हमले की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध के 13वें दिन पहली बार हमास के सबसे खूंखार और क्रूर कहे जाने वाले मोहम्मद दाइफ के ऑडियो मैसेज सामने आया। يوم الثورة الكبرى من أجل إنهاء الاحتلال الأخير ونظام الفصل العنصري الأخير في العالم। ये ऑडियो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जारी किया है। दावा ये किया गया है कि दाइफ ने ये ऑडियो संदेश इजराइल पर हमले से ठीक पहले हमास के आतंकियों को सर्कुलेट किया था।
इस ऑडियो में हमास की मिलिट्री विंग का चीफ मोहम्मद दाए इसराइल के खिलाफ अंतिम लड़ाई छेड़ने का ऐलान कर रहा है। يوم الثورة الكبرى من أجل إنهاء الاحتلال الأخير ونظام الفصل العنصر الأخير في العالم. एक तरफ पहली बार दुनिया के सबसे क्रूर और सबसे बड़े आतंकी संगठन विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए गठजोड़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से कहा है कि वो इसराइल से किसी भी तरह का संबंध बिल्कुल खत्म कर दें। इधर रईसी दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से इजराइल से संबंध तोड़ देने की अपील कर रहे हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे और युद्ध में इजराइल को खुले समर्थन और सैन्य मदद का ऐलान कर दिया। When we say that we stand with Israel, we mean it. Not just today, not just tomorrow, but always. And I will stand with you, the British Jewish community. Not just today, not just tomorrow, but always. Am Yisrael, Chai. मध्य सागर विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है क्योंकि दुनिया के बीचों बीच अरब देशों और इजराइल के किनारे भूमध्य सागर में तेजी से हथियार जमा हो रहे हैं। सबसे नई खबर यह है कि अमेरिका का एक और युद्धपोत माउंट विटनी भूमध्य सागर की ओर रवाना हो गया है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी भी युद्ध में इजराइल का साथ देने के लिए भूमध्य सागर में पहुंच चुकी है। अब देखिए भूमध्य सागर में इस वक्त विश्व युद्ध की तैयारी कितनी तेजी से हो रही है। भूमध्य सागर में अमेरिका का एक और वॉरशिप यूएसएस माउंट विटनी पहुंच रहा है। दो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की पहले से तैनाती है। भूमध्य सागर में ब्रिटेन की रॉयल नेवी और उसके दो वॉरशिप भी तैनात हैं। इसराइल के लिए ब्रिटेन एसएएस यानी स्पेशल एयर सर्विस की बटालियन भी भेजने जा रहा है। ब्रिटेन ने रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस विमानों की तैनाती कर दी है। अरब देशों के साथ अमेरिका और यूरोप का टकराव इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमास के साथ इजराइल की जंग शुरू होते ही अमेरिका ने हथियारों की पहली खेप पहुंचा दी थी। इसमें स्मार्ट बम, आयरन डोम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर और दूसरे हथियार शामिल थे। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और यूरोप की टेंशन बहुत बढ़ा दी है। भूमध्य सागर में अमेरिका और यूरोप के देशों की बढ़ती ताकत का जवाब पुतिन ने हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल से लैस फाइटर जेट से दिया है।
पुतिन ने हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों से लैस मेक 31 जेट्स को काला सागर में भेज दिया है। चीन से लौटते ही पुतिन ने बकायदा इसकी घोषणा कर दी। Постоянной основе патрулирования в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью 9 махов. किंजल का कहर यूक्रेन में दुनिया देख चुकी है। आवाज से 9 गुना तेजी से उड़ता यह हाइपरसोनिक खंजर काला सागर के आसमान में मंडराने लगा। अटलांटिक सागर में दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन पहले से तैनात है और भूमध्य सागर में अमेरिका और यूरोप के वॉरशिप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये युद्ध सिर्फ सुपर पावर देशों के बीच ही नहीं होने वाला। पहली बार महायुद्ध में नॉन स्टेट एक्टर यानी वैगनर जैसे किराए के कातिल और हमास, हिजबुल्ला और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन भी शामिल हैं। और सबसे नया खुलासा यह है कि इन आतंकी संगठनों को उत्तर कोरिया से हथियार मिल रहे हैं। इसराइल युद्ध के विश्व युद्ध में तब्दील होने का एक और संकेत जंग में किम जोंग की एंट्री है। युद्ध में किम की एंट्री का सबूत इसराइल टाइम्स ने दिया है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में हमास के आतंकियों ने उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया था। हमास के आतंकियों के हाथ में F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर थे। यह हथियार किम जोंग उन के मुल्क में बनाए जाते हैं। ये सबूत है कि उत्तर कोरिया से हमास के आतंकियों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। इसराइल ने दावा किया है कि हमास उत्तर कोरिया के हथियारों से ही इसराइल में खूनी खेल खेल रहा है। सवाल ये है कि क्या पुतिन के कहने पर किम ने हमास को हथियार दिए या फिर अब तक नॉन स्टेट एक्टर माने जाने वाले ये आतंकी संगठन अब इतने मजबूत हो गए हैं कि विश्व युद्ध से पहले सीधे खतरनाक मुल्कों के साथ हथियारों की डील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।